हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नए वीडियो में। आज के हम वीडियो में बात करने वाले हैं डाउनलोड सॉन्ग रिंगटोन हम कैसे सेट कर सकते हैं। जैसे कि हमने कोई सॉन्ग डाउनलोड कर रखा है तो हम उसको कैसे सेट कर सकते हैं, इसके बारे में बताने वाला हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास ये ओप्पो का फ़ोन है और आपको सबसे पहले क्या करना है, सेटिंग पर क्लिक करना है। तो क्लिक कर लेंगे। सेटिंग पर क्लिक करते ही आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा, ये आप देख सकते हैं। और आपको यहाँ पर क्या करना होगा, थोड़ा सा ऊपर की साइड स्क्रॉल करना होगा इसको, और साउंड एंड वाइब्रेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा, आपको यहाँ पर क्या करना होगा, थोड़ा सा ऊपर की साइड स्क्रॉल करना है और रिंगटोन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर सिम नंबर 1 पर क्लिक करेंगे, और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर दिखा रहा है सिलेक्ट फ्रॉम फाइल, तो फाइल पर क्लिक करेंगे। तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे सिलेक्ट फ्रॉम फाइल पर। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने जो कोई सॉन्ग वगैरह डाउनलोड कर रखा है या फिर कोई रिकॉर्डिंग है जिसे आप अपनी मतलब लगाना चाहते हैं रिंगटोन पर, तो उसे भी लगा सकते हैं। जैसे कि मैं ये लगा लेता हूँ, बैक कर देता हूँ, बैक करते ही मेरा ये सेट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं सेट हो गई है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आएगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।